मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। यस बेटा, आज हम क्या पढ़ेंगे? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट्स दैट व्हेन एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट्स वेलोसिटी चेंजेस। हमने फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा था बेटा? जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये कह रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट दैट व्हेन एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब हम अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करते हैं एक ऑब्जेक्ट पर तो उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है। दैट इज द ऑब्जेक्ट गेट्स एन एक्सेलरेशन। तो क्या होता है, वो एक्सेलरेट हो जाता है। वेलोसिटी चेंज होगी तो वो क्या होगा, एक्सेलरेट हो जाता है। वी वुड नाउ लाइक टू स्टडी नो हाउ द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द फोर्स अप्लाई टू इट एंड हाउ वी मेजर अ फोर्स। आज हम क्या पढ़ेंगे कि वो एक्सेलरेशन फोर्स के ऊपर कैसे डिपेंड करती है और फोर्स के ऊपर कैसे वो चेंज हो जाती है। ठीक है, वो कैसे फोर्स अप्लाइड करने पर चेंज हो जाती है और कैसे वो फोर्स के ऊपर डिपेंड है। लेट अस रिकाउंट सम ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अवर डेली लाइफ। ड्यूरिंग द गेम ऑफ टेबल टेनिस इफ द बॉल हिट्स अ प्लेयर इट डज नॉट हर्ट हिम। क्या मतलब है, जब हम टेबल टेनिस खेल रहे हैं तो एक बॉल यदि एक प्लेयर को लग जाती है तो वो उसको चोट नहीं पहुंचाती। ऑन द अदर हैंड व्हेन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल, और यदि बहुत क्रिकेट बॉल यदि फास्ट मूविंग है मतलब बड़ी तेजी से जो आ रही है, यदि उसको लग जाती है हिट्स अ स्पेक्टेटर मतलब एक दर्शक को लग जाती है तो उसको बहुत चोट पहुंचती है। क्यों? देखो, आपको पता है जो टेनिस की बॉल है वो कैसी होती है, लाइट इन वेट इन कंपेरिजन टू क्रिकेट बॉल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अ ट्रक एट रेस्ट डज नॉट रिक्वायर एनी अटेंशन व्हेन पार्क्ड अलोंग अ रोड साइड। एक ट्रक है यदि वो पार्क किया हुआ है मींस वो क्या है, खड़ा हुआ है एक रोड के साइड में, तो उसके ऊपर ज्यादा अटेंशन की जरूरत नहीं है। मतलब यदि हमने रोड क्रॉस करनी है तो हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। बट अ मूविंग ट्रक इवन एट स्पीड एज लो एज 5 मीटर पर सेकेंड मे किल अ पर्सन स्टैंडिंग इन इट्स पाथ। लेकिन यदि एक ट्रक है, लेकिन मूविंग ट्रक चलता हुआ ट्रक है, रोड पर चल रहा है, वो स्पीड उसकी मान लो कम ही है, 5 मीटर पर सेकेंड है, बट फिर भी वो एक आदमी को किल कर सकता है जो उसके रास्ते में आ गया। तो अ स्मॉल मास सच एज अ बुलेट मे किल अ पर्सन व्हेन फायर फ्रॉम अ गन। एक छोटी सी गोली होती है, बुलेट जो हमारी बंदूक की गोली होती है वो क्या होती है, छोटी सी होती है, लेकिन वो भी एक आदमी को मार देती है जब गन से निकलती है। These observations suggest that the impact produced by the object depend on their mass and velocity. इससे हमें क्या पता चला कि जो फोर्स का अफेक्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है, जो अफेक्ट जो पड़ता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी के ऊपर। क्योंकि जो हमने टेनिस वाला एग्जांपल पढ़ा उसमें कौन था, मास। अब ट्रक वाला पढ़ा उसमें क्या है, वेलोसिटी। सिमिलरली इफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी एक्सेलरेटेड वी नो दैट अ ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू गिव अ ग्रेटर वेलोसिटी। यस, जितनी ज्यादा वेलोसिटी चाहिएगी तो उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स, देयर अपीयर टू एग्जिस्ट सम क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्टेंस दैट कंबाइन द ऑब्जेक्ट मास एंड वेलोसिटी। तो इसमें किसी और, हमें कोई और चीज की जरूरत है जो इन दोनों को कनेक्ट करे। वन सच प्रॉपर्टी कॉल्ड मोमेंटम, और ऐसी एक प्रॉपर्टी कहलाती है मोमेंटम, वॉज इंट्रोड्यूस बाय न्यूटन, जिसको न्यूटन ने इंट्रोड्यूस किया था, न्यूटन ने उसके बारे में बताया था। द मोमेंटम ऑफ पी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज, और पी कैसे डिफाइंड किया जाता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। यस, मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज इट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वही मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो क्या यूनिट होती है बेटा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सिंस द एप्लीकेशन ऑफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स ब्रिंग्स अ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज देयरफॉर क्लियर दैट अ फोर्स आल्सो प्रोड्यूस अ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या मतलब है, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वेलोसिटी चेंज होती है, और जो वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। तो क्या है, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोड्यूस कर देता है। लेट अस कंसीडर अ सिचुएशन इन विच अ कार विद अ डेड बैटरी इज टू बी पुश्ड अलोंग अ स्ट्रेट रोड। एक कार है, ठीक है बेटा, उसकी जो बैटरी है वो डेड हो गई, तो आपने देखा ना कई बार क्या करते हैं, उसको बड़ा धक्का देते हैं ताकि वो स्टार्ट हो जाए। तो क्या है, पुश्ड अलोंग अ स्ट्रेट रोड टू गिव इट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड विच इज सफिशियंट टू स्टार्ट। वो प्रॉपर है, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड यदि स्पीड बन गई तो उसका इंजन स्टार्ट
हो जाता है, और यदि एक बार इंजन स्टार्ट हो गया तो वो गाड़ी चल पड़ती है। ही वन ऑफ टू पर्सन गिव अ सडन पुश टू इट, इट हार्डली स्टार्ट। यदि एक और दो बंदे उसको धक्का देंगे ऐसे ही, मतलब सडन एकदम अचानक दे देंगे, तो वो स्टार्ट धीरे 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 देना पड़ता है उसको, ताकि उसकी जो स्पीड है वो मेंटेन हो सके। बट अ कंटिन्यूस पुश ओवर सम टाइम रिजल्ट इन अ ग्रेजुअली एक्सीलरेशन ऑफ द कार। इट मीन्स दैट द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द कार इज नॉट ओनली डिटरमाइंड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बट ऑल्सो बाय द टाइम ड्यूरिंग विद द फोर्स इज एक्सर्टेड। क्या मतलब है? तो इसका मतलब जो मोमेंटम चेंज हुआ वो फोर्स पे अकेले डिपेंड नहीं करता, वो ये भी डिपेंड करता है कि फोर्स कैसे कैसे लग रहा है, कितने कितने टाइम पर लग रहा है। ठीक है। इट मे देन ऑल्सो बी कंक्लूडेड दैट द फोर्स नेसेसरी टू चेंज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द टाइम रेट एट विच द मोमेंटम इज चेंज। तो वो किस पे डिपेंड करता है? चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द टाइम रेट, तो टाइम रेट पर भी वो डिपेंड करता है। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट द रेट ऑफ, तो सेकेंड लॉ क्या कहता है हमारा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है बेटा। नाउ इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि कैसे निकाला। सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद एन इनिशियल वेलोसिटी। सपोज जो एक ऑब्जेक्ट है उसका मास क्या है? m है, और वेलोसिटी क्या है? u है। इट इज अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड टू वेलोसिटी, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हुई t बाय द v इन टाइम t बाय द एप्लीकेशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट फोर्स f। जब हमने f फोर्स अप्लाई किया तो उसको जो u से v वेलोसिटी बन गई, और टाइम क्या है? t है। बाय द अप्लाइंग फोर्स थ्रू आउट द टाइम t, द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी p1 एंड p2। p1 क्या है? इनिशियल जब वो u पे थी, और p2 क्या है? जब उसके वेलोसिटी v होगी। मास तो सेम ही है ऑब्जेक्ट का, तो चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर है? p2 माइनस p1। ठीक है। और हमने mv माइनस mu, m तो दोनों में कॉमन है निकाल लिया हमने, v माइनस u। और आपको पता है जब v माइनस u होता है, और यदि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम करें तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड यू नो दिस इज इक्वल टू द a, चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है ना, तो हमने क्या कर दिया इसको a। और जो कॉन्स्टेंट का प्रोपोर्शनल का कॉन्स्टेंट था, प्रोपोर्शनल का जब हम साइन हटाते हैं तो वी नीड अ कॉन्स्टेंट, तो k क्या है? कॉन्स्टेंट है। और इसको क्या रिप्रेजेंट कर दिया हमने? a से रिप्रेजेंट कर दिया। तो f किसके बराबर बन गया? k m a। हेयर a इज इक्वल टू, यह मैं आपको बताई चुकी एक्सेलरेशन। उसके बाद है k इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। द SI यूनिट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन आर kg, किलोग्राम। किलोग्राम किसकी है? मास की है। और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द यूनिट ऑफ फोर्स इज आल्सो सो चूजन दैट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के बिकम्स वन। फॉर दिस वन यूनिट ऑफ फोर्स इज डिटरमाइंड एट द अमाउंट दैट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ वन मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ वन केजी मास। तो क्या मतलब है? वन यूनिट फोर्स कैसे डिफाइंड किया जाता है? इतना अमाउंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस हो जाए कि उसके अंदर एक मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर की पर स्क्वायर सेकंड की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए वन केजी ऑफ मास ऑब्जेक्ट वाले। ठीक है। तो वन यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू दिस, तो एफ यहां से किसके बराबर आ गया? एम ए। द यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम, एम क्या है? किलोग्राम है। और ये क्या है? सेकंड, मीटर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन, विच हैज द सिंबल ऑफ एन। आपको पता ना फोर्स का सिंबल क्या होता है? एन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस अ मेथड टू मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। तो हमसे हमारे पास यहाँ एफ फॉर्मूला आ गया है फोर्स का, किसके बराबर होता है बेटा? मास इनटू एक्सेलरेशन। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑफन सीन इन एक्शन इन अवर डेली लाइफ। कैसे देखते हैं हम एवरीडे की लाइफ में? हैव यू नोटिस दैट व्हाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग बॉल अ फील्डर इन द ग्राउंड ग्रेजुअली पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड विद द, देखो जब वो कैच करते हैं तो देखो धीरे 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 उसके हाथ के नीचे चल जाते हैं ताकि उसको कम चोट लगे। ठीक है। वो टाइम क्या होता है? बढ़ा देता है, उसका वेलोसिटी कम हो जाती है। ठीक है। तो विल द मूविंग बॉल इन डूइंग सो द फील्डर इंक्रीजेज द टाइम ड्यूरिंग विच द हाई वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉल डिक्रीजेज टू जीरो। धीरे धीरे, क्योंकि फास्ट मूविंग ज्यादा हिट करती है, तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई और टाइम क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तभी वो हाथों को नीचे नीचे करता है ताकि उसको कम से कम चोट लगे। Thus the acceleration of the boss is decreased and therefore the impact of catching the fast moving ball is also reduced. तो इससे उसको कम चोट लगती है। If the ball is stopped suddenly, यदि एकदम वो बॉल को पकड़ लेगा तो वेलोसिटी क्या उसकी ज्यादा होगी, तो उसको चोट ज्यादा लग सकती है। Thus the rate of change of momentum of the ball will be large. Therefore
A large force would have to be applied for holding the catch that may hurt the palm of the fielder. यदि वो इस फास्ट मूविंग बॉल को पकड़ता है तो उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, पकड़ने के लिए, और वो क्या हुआ, उसकी जो पाम है, उसकी हथेली है, उस पर चोट भी लग सकती है. इन अ हाई जंप एथलीट इवेंट द एथलीट्स आर मेड टू फॉल आइदर ऑन द कुशन बेड और ऑन अ सैंड बेड. तो क्या है, जब वो हाई जंप के पे जंप करते हैं ना एथलीट्स, तो उनके लिए आगे जब वो गिरते हैं ना, तो ये तो कुशन का वाला बेड होता है या फिर उनको रेत, ताकि उनको कम चोट लगे. दिस इज टू इंक्रीज द टाइम ऑफ द एथलीट फॉल टू स्टॉप आफ्टर मेकिंग द जंप. दिस डिक्रीजेज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड हेंस फोर्स. ट्राई टू पोंडर हाउ अ कराटे प्लेयर ब्रेक्स अ स्लैब ऑफ आइस लाइक दैट. वो भी एक सिंगल ब्लो में अपना तोड़ देते हैं, ठीक है. द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी मैथमेटिकली स्टेड अंडर द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द सेकंड लॉ. देखो F, सेकंड लॉ क्या कह रहा है, F इज इक्वल टू एम ए एफ एम. ए किसके बराबर होता है, वी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टी, ठीक है. और F इसको उधर ले गए तो ये क्या मल्टीप्लाई हो गया, एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू. दस इज वेन एफ इज जीरो वी इज इक्वल टू यू. जब यदि एफ जीरो है फॉर वट एवर टाइम टी इज टेकन, दिस मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी थ्रू आउट द टाइम, ठीक है बेटा. तो इस तरह से ये दोनों क्या है आपस में रिलेट है. तो आज हमने क्या पढ़ा बेटा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन.